हिमाचल में लगातार चार दिनों से हो रही बरसात ने हाहाकार मचा दिया है। हिमाचल के चंबा में भारी बरसात से बाढ़ जैसे हालात, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। मंडी में भारी बरसात से तबाही, लोगों को अलर्ट किया गया, संबंधित इलाकों पर जाने से रोक लगाई गई। हिमाचल के कुल्लू में बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बाढ़ के चलते लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, प्रशासन भी काफी सख्त नजर आ रहा है। बाढ़ के कारण मनाली, लेह, कालका, शिमला, कोकसर, लोसर, काजा, चंडीगढ़, मनाली, चंबा, भरमौर हाईवे पूरी तरह से बंद किए गए हैं। बरसात के चलते अब तक 4000 करोड़ रुपए के नुकसान की बात सामने आई है। भारी बरसात और बाढ़ के हालात के बीच कुल्लू, मनाली, मंडी और प्रदेश के ऊपरी इलाकों में हजारों लोग फंसे हैं। अधिकतर जिलों में बिजली, फोन, इंटरनेट सेवाएं ठप हैं। कुल्लू में बादल फटने से 100 बीघा जमीन गड्ढों में तब्दील हो गई है। दिल्ली में यमुना नदी में जलस्तर 207.55 मीटर हो गया है, जिसके चलते 45 साल पुराना रिकॉर्ड भी टूटा है। बाढ़ जैसी स्थिति है। राजधानी दिल्ली में लोगों के घरों में यमुना का पानी घुस गया है। यमुना के किनारे रह रहे लोगों को सेफ जगहों पर ले जाया जा रहा है। बरसात और बाढ़ के चलते दिल्ली में कई इलाके जलमग्न हैं। हरियाणा में मॉनसून के चलते कई इलाकों में जमकर बरसात, बरसात के चलते शहर के कई हिस्सों में जलभराव, लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला से लेकर फरीदाबाद तक बरसात से तबाही, कई गांव जलमग्न हो गए हैं। गलियों और मकानों में 4-4 फीट पानी घुसा है। गृहमंत्री अनिल विज ने जलभराव वाली जगहों का जायजा लिया। अंबाला में बरसात रुके, कई घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन डांगरी नदी में अभी भी पानी खतरे के निशान से ऊपर है। हालांकि गृहमंत्री अनिल विज के निर्देश के बाद जिला प्रशासन के अधिकारी रेस्क्यू करने पहुंचे। हरियाणा से लगते पंजाब के संगरूर के एक गांव और उसके आसपास के दो अन्य जगहों पर घग्गर नदी के तटीय बांध टूट जाने के चलते पंजाब के खेतों में 5 से 7 फीट पानी भर गया है। पंजाब सीमा के खेतों का पानी हरियाणा के कई गांवों में भी प्रवेश करने के आसार है। पानी के हरियाणा की सीमा में प्रवेश होने से पहले प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। जिला प्रशासनिक अधिकारियों ने इसे लेकर पुख्ता इंतजाम भी कर लिए हैं। एनडीआरएफ की टीमें भी अलर्ट मोड पर हैं। लगातार बरसात से यमुना नदी उफान पर। यमुनानगर के हथिनी कुंड बैराज से 2,20,000 क्यूसेक पानी डायवर्ट किया गया है। यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने पूरे एरिया में अलर्ट जारी किया है। प्रशासन पल पल पर नजर बनाए हुए है। यमुनानगर प्रशासन बढ़ते जलस्तर को लेकर अलर्ट मोड पर। प्रशासन ने यमुना से लगते लोगों से अपील की, यमुना की ओर ना जाएं, ना ही अपने पशुओं को लेकर जाएं। अगर कहीं पर भी पानी घुसता है तो प्रशासन को तुरंत जानकारी दें। भारी बरसात के चलते यमुनानगर में गांव शहर जलमग्न, लोग परेशान। ऐसे में लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हरियाणा में हुई बरसात के चलते सब कुछ भेंट चढ़ गया है। बरसात के चलते किसानों के अरमानों पर भी पानी फिर गया है। भारी बरसात के चलते रादौर के गांव गुंदियाना, ऊंचा, चंदना, काजीवास, रामनगर, गुंदियानी, रूपोली, मसाना गांव के हजारों एकड़ फसल पानी के भेंट चढ़ गई है।
हथिनीकुंड बैराज का पानी करनाल के उन इलाकों में पहुंचा जो यमुना के काफी करीब है। यमुना के नजदीक गांव में पानी पहुंचने से गांव का संपर्क मुख्य मार्ग से टूटा है। कई गांव शामिल थे, कई गांव के किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। एसडीआरएफ की टीम गांव में जाकर कस्ते के माध्यम से दूध पानी खाने के पैकेट पहुंचा रही है। एनडीआरएफ की टीम एक चक्कर में दो गांव के लिए खाने के पैकेट लेती है और उसके बाद गांव में जाकर उन्हें बांटने का काम किया जाता है। कुरुक्षेत्र के गांव दबखेड़ी नहर के पास भारी बरसात के बाद ड्रेन टूटने के बाद सारा पानी शहर के दीदार नगर में पहुंचा। लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। ओखला बैराज से छोड़े गए 1,80,000 क्यूसेक पानी के बाद फरीदाबाद की बसंत कॉलोनी और दिल्ली से लगती विश्वकर्मा कॉलोनी में भी लोग प्रभावित हैं। दिल्ली और फरीदाबाद की दोनों कॉलोनी में बराबर पानी भर गया है। कॉलोनी में पानी भरने से दिल्ली और फरीदाबाद दोनों जगह से लोग परेशान हैं, घर खाली कर रहे हैं। लोगों को काफी दिक्कत झेलनी पड़ रही है। बरसात को लेकर मौसम विभाग का कहना है अगले कुछ दिन तक बरसात का असर नजर आएगा। लोगों को जलभराव जैसे परेशानी का सामना अभी करना पड़ सकता है। भारी बरसात के बाद कुरुक्षेत्र के पिहुआ उपमंडल में एनडीआरएफ की टीम ने बचाव कार्य शुरू किया। अब तक बाढ़ में फंसे काफी लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। और पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर स्थित घग्गर नदी के लगातार उफान से जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते गोलाचिका के एक दर्जन से ज्यादा गांव में पानी घुस गया है।